और काम के ऊपर डिपेंड करता है, वो काम हो जाएगा तो 50 का हेड शॉट है ना कि अगले हफ्ते 50 इंशाल्लाह हो जाएगा। और अगर अल्लाह ने कहा तो ज्यादा भी हो सकते हैं, लाख दो लाख भी हो सकते हैं, मगर ये कि टोटली डिपेंड करता है काम के ऊपर। बिल्कुल भाई, समझिए। तो ऐसा है कि फ्राइडे और सैटरडे मुझे आपके शाम में आप चाहिए ना? जी भाई, और वो वेरियस वारदातों में इन्वॉल्व थे, उनमें जब वो जेल चले गए तो उसके बाद मजीद रेंजर्स ने भी एक इंटेलिजेंस ऑफ, तो ये दोनों जो मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन थी उसमें जो कुछ चीज़ें सामने आई वो बड़ी हैरान कन भी थी। एक US सिटीजन जिनका नाम है कहकशां हैदर, जो कि शायद MQM लंडन की राबता कमेटी की भी मेंबर रही हैं और टेक्सस स्टेट में वो रिहाइश पज़ीर हैं, वो बाकायदगी से बजरिया फ़ोन इन टीमों को चला रही थी। जो टीम 2017 में किया, फिर बाद में CBD ने उन पर जब इन्वेस्टिगेशन की कि ये एक नेटवर्क, इन बंदों के गिरफ्तार होने के बाद भी एक अलग टीमें भी ये खातून जो है वो चलाती रही हैं। और मैं समझता हूँ कि पहले अगर हम इसका ये क्लिप आपको प्ले कर दें आपके, फिर ताकि उसके बाद फिर जो भी मजीद सवालात होंगे कर्नल साहब की तरफ से भी अगर कोई स्टेटमेंट होंगी तो वो फिर आपसे हम शेयर करेंगे। यार ये स्टार्ट कर दो प्लीज़। और काम के ऊपर डिपेंड करता है, वो काम हो जाएगा तो 50 का हेड शॉट है ना कि अगले हफ्ते 50 इंशाल्लाह हो जाएगा। और अगर अल्लाह ने कहा तो ज्यादा भी हो सकते हैं, लाख दो लाख भी हो सकते हैं, मगर ये कि टोटली डिपेंड करता है काम के ऊपर। बिल्कुल भाई, समझिए। तो ऐसा है कि फ्राइडे और सैटरडे मुझे आपके शाम में आप चाहिए ना? जी भाई, मेंशन किया है, कहने का मतलब यह है कि उनके ऊपर ऑलरेडी ही एक जो PR है वो उसका ड्राफ्ट हुआ है, और सब्सिक्वेंटली जो उन चीज़ों में वो मुलविस रही हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमने देखा है ऑन ग्राउंड, अपनी जो है ना टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू देख लें या फिर जो हमारी ऑन ग्राउंड जो इंक्वायरी है उसके हिसाब से देख लें, तो जो कराची के अंदर टारगेट किलिंग टीम्स काम कर रही हैं वो उनको इनडायरेक्टली उधर से हेड कर रही हैं, और जो टारगेट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे उनमें से कुछ टारगेट्स ऐसे भी थे जिसकी वजह से एक सेक्टेरियन रिफ्ट भी हो सकती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना अभी कंट्रोल में हैं। लेकिन आपको एक बताना और आपके नॉलेज में लाने एक चीज़ मकसूद था कि किस तरीके से ये बाहर बैठ के भी ये लोग इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारगी फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इकट्ठी हैं और पाकिस्तान की तरफ जो भी जिधर से बैठ के भी बुरी आँख से देखेगा इंशाल्लाह उसका इस तरीके से इलाज किया जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ये जो अभी वारदात